हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट लाज। मैं हूँ आरती गुप्ता और आज मैं इस वेस्ट मोबाइल बॉक्स से बहुत ही बढ़िया सा एक वेडिंग के लिए ट्रे बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं इसे फ्रंट से कट कर रही हूँ। तो कट करने के लिए आप कटर का यूज़ भी कर सकते हैं या सीज़र से भी कट कर सकते हैं, बस हमें इस पर कट लगाना है। और ये जो ट्रे हम बनाएंगे, ये एक मल्टीपर्पज़ ट्रे होगी, जिसे आप ब्राइडल के कॉस्मेटिक के लिए, उसकी ज्वेलरी के लिए, बैंगल्स के लिए, कॉइन पैकिंग के लिए या ड्राई फ्रूट के लिए पैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आमने सामने, मतलब कि फ्रंट में और बैक में, मैंने दोनों साइड पे कट लगाया है। और अब मैं इसका जो ये बहुत डर्टी सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, उस पर मैं एक शीट पेस्ट करूँगी। ये मेरी पिंक कलर की शीट है और बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर टेक्सचर है। हैंडमेड शीट है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। इसके बाद जो भी आप बाहर का पोर्शन देख रहे हैं, उस पर भी मैं सेम शीट पेस्ट करूँगी। और हम इसे पेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि जितना भी हमारा पोर्शन डर्टी नज़र आ रहा है या जो भी मुझे डेकोरेट करना है, उसको हमारा मेन एम है कवर करना। तो इसके लिए आप कोई फैब्रिक का पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेलवेट, सैटिन, सिल्क। तो अगर आपके पास कोई फैब्रिक है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, पर हम ये बहुत कम बजट में बना रहे हैं, बहुत कम हमारे पैसों में ये ट्रे बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैंने नेट का पीस लिया है और अब मैं इसे फैन फोल्ड कर रही हूँ। फैन फोल्ड करने के बाद आप इसको हाफ में डिवाइड करेंगे और बीच में से आप इसे थ्रेड या रबर बैंड की हेल्प से टाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको टाई करना है। और इसी तरह से आपको दो पीसेस रेडी करने हैं। एक्स्ट्रा को मैं कट कर देती हूँ और इसे हमें पेस्ट करना है बॉक्स के अंदर की साइड के। देखिए, जो हमने कट लगाया था उसको हमने इस तरह से यहाँ पर पेस्ट करना है। दोनों किनारों को आप यहाँ पर लेंगे और ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों पीसेस बनाने हैं फ्रंट और बैक के लिए और दोनों को हम पेस्ट करेंगे। एक पीस हमारा बनके रेडी हो गया है, अब हम एक और पीस पीछे की साइड पेस्ट कर लेते हैं। तो जब तक मैं इसे बना रही हूँ, तब तक आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्राफ्टलस आरती गुप्ता के नाम पे। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। तो चलिए इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, मेहंदी प्लेटर, हल्दी प्लेटर, एंगेजमेंट प्लेटर, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये फटाफट से फ्रंट और बैक की साइड पर पेस्ट हो गया है। अभी मैं लूँगी एक और कार्डबोर्ड का पीस। इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस है, आप कोई भी स्वीट बॉक्स या फिर बेस कार्डबोर्ड ले सकते हैं। उसके ऊपर मैं ग्लू गन से फोम के पीसेस को पेस्ट करने वाली हूँ। ये फोम के पीसेस भी मेरे पास वेस्ट थे, जिन्हें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप एक के ऊपर एक फोम का पीस रख के उसे पेस्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैं सेम शीट को लगाने वाली हूँ। और इसको पेस्ट करने के लिए भी ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा और बैक साइड से इस तरह से उसे फोल्ड करते हुए, जिस तरह से हम लोग कॉपीज पे कवर चढ़ाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इस शीट को भी कवर करना है। बहुत इजीली हो जाएगा। आप 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखेंगे, आपका ग्लूगन बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो बहुत इजी है ये एक वेडिंग ट्रे बनाना, और मल्टीपर्पज़ ट्रे है, आप इसको किसी भी काम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हमने थोड़ा सा एक राउंड शेप देना है, आप इसको मोड़ते रहिए इस तरह से थोड़ा सा, और इसको हल्का सा हम राउंड शेप देंगे। आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा राउंड करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी बारी है इस जो हमने कार्डबोर्ड को बनाया है, इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर लेस का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लेस अवेलेबल हो, आप वो लगा सकते हैं। चारों तरफ हमें लगाना है इसे, तो फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारा लगेगा। इसको ही हमने ज़्यादा डेकोरेट करना है, क्योंकि ये जो हम अभी पैकिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर का जो मेन पार्ट है वो है ये। और ऊपर मैं ग्लूगन की हेल्प से ही मोती लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम लोग मोती लगाएंगे। अगर आपके पास मिरर्स हैं तो आप मिरर्स भी लगा सकते हैं। एंड में मैं इस पर मिरर्स भी लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो एंड में हम मिरर्स भी लगा देंगे इस पर। अभी की फ़िलहाल मैं मोती लगा रही हूँ, और जब तक मैं मोती लगा रही हूँ, तब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।
चलिए मोती भी लग गए हैं और अब बारी है इसका फ्रंट और बैक पोर्शन डेकोरेट करने के लिए। मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कॉइन लेस, दोनों तरफ से लगाएंगे और जितना भी हमारा थोड़ा बहुत कार्डबोर्ड नज़र आ रहा है वो भी हमारा अच्छे से छिप जाएगा। ये देखिए इस तरह से कटिंग करते हुए आप जितना जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना उतना आप लेस यहाँ पे यूज़ कीजिए और जो बॉटम है उस पर भी मैं इसे लगा लेती हूँ। बहुत जल्दी से बनने वाली ये ट्रे है और बहुत कम आपका इसमें खर्चा आएगा, जो घर पर रखी हुई चीज़ें हैं उससे ही आप इसे बना लेंगे। तो अभी बारी है इसके ऊपर छत लगाने की। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर डोली। तो ये हो गया डोली का ऊपर का पोर्शन। तो ये देखिए ये है हमारी डोली, पर अभी इसमें बहुत काम बाकी है। ये देखिए ये जो हमने कर्टेंस लगाए थे इनको ऊपर की तरफ स्टिक कर देंगे ताकि ये पूरा का पूरा अच्छे से कर्टेंस का शेप ले लें। दोनों साइड से हम करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अंदर अगर आप चाहें तो कोई चीज़ भी रख सकते हैं, लाइक अगर कॉस्मेटिक का कोई आपको सामान रखना है तो आप रख सकते हैं। अभी मेरे पास ये शीट्स हैं, कुछ पेपर हैं, मैगजीन पेपर्स हैं ये, तो इनका मैंने रोल बनाया है और लास्ट इसका जो पॉइंट है उसको मैंने ग्लू गन से सिक्योर कर दिया। तो हमारे पास एक स्टिक रेडी हो गई है। इस स्टिक पे मैं सेम पिंक कलर का जो हमने शीट यूज़ किया है डोली के लिए वही मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो इसको भी पूरा कवर कर लेंगे इसी शीट से। तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लू गन से बहुत जल्दी काम हो जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता और आपका फ्लो भी नहीं टूटता जब आप काम करते हैं, तो ईज़िली आप इससे काम कर सकते हैं। ये आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, 200 तक की रेंज में आपको बहुत अच्छी ग्लूगन मिल जाती है। चलिए ये स्टिक भी रेडी है, इसके मैं पीसीस करूँ क्योंकि मैं डोली के लिए स्टिक्स बना रही हूँ। तो जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है स्टिक्स, बड़ी छोटी उतनी आप ले सकते हैं। और ये भी खाली खाली लग रही है तो इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं एक गोटा पट्टी की लेस से, जो पतली लेस मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं। अलग से शॉप्स होती हैं इनकी जहाँ पर आपको हर तरह की लेसेस मिल जाती हैं। मैं मोस्टली किनारी बाज़ार या अपनी लोकल मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ। ये देखिए आप इस पर स्टेशनरी शॉप्स पर जो ग्लिटरी टेप्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मोती की लटकन और उसके ऊपर एक पॉम। तो ये एक स्टिक रेडी हो गई है, इसी तरह से मैंने दोनों स्टिक्स रेडी कर ली है और ग्लू गन की हेल्प से इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब पेस्ट जब भी आप करें तो इसको एक मिनट तक होल्ड करके रखें ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, गिरे ना। पहले एक स्टिक लगा लीजिए फिर दूसरी स्टिक को वहाँ पर पेस्ट कीजिए। अभी मैं मिरर बूटी लगा रही हूँ, अगर आपका सिंपल मिरर है तो आप वो भी लगा सकते हैं या आप इसको लेस से भी डेकोरेट कर सकते हैं। दो मेरे पास सनफ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो ये हमारी डोली बनके रेडी हो गई है, पर अभी हमें पूरी ट्रे बनानी है, उसके लिए मुझे स्टिक्स रेडी करनी है जैसे मैंने डोली के लिए स्टिक्स रेडी की थी। तो सेम स्टिक्स मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। ये देखिए इसको हमने सेम जो फैब्रिक या फिर जो भी आप यहाँ पर पेपर यूज़ कर रहे हैं उसी से ही मैंने यहाँ पर इसे कवर कर लिया। आप इसे फैब्रिक से भी बना सकते हैं पूरी ट्रे को, वो भी बहुत सुंदर लगेगी। और मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक वीडियो फैब्रिक से भी बनाना सिखाऊँ कि हम पूरी की पूरी इस ट्रे को फैब्रिक से कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम मैंने जैसे स्टिक्स बनाई थी डोली के लिए, सेम वही स्टिक्स मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। वैसे ही पेपर है, वैसा ही गोटा है यहाँ पर। तो ये रेडी हो गई हैं। अब मैंने लिया है एक MDF का बोर्ड जो कि रेक्टेंगुलर है, और अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सिंपल कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसके अगर वो पतला है तो दो या तीन लेयर्स उस कार्डबोर्ड की आप स्टिक कर सकते हैं आपस में। उसके ऊपर मैंने पिंक कलर का एक शीट पेस्ट किया है, ये सिंपल A4 साइज़ का शीट है, आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका। और अब मैंने जो स्टिक्स बनाई है वो इस पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारी बहुत ही प्यारी सी घर पर बहुत कम बजट में बनी हुई एक ट्रे रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आप साड़ी पैकिंग या लहंगा पैकिंग के लिए भी ट्रेस घर पर रेडी कर सकते हैं। तो एक और मैंने स्टिक बनाई है वो भी यहाँ पे लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और एक छोटी सी स्टिक मैंने बनाई है वो मैं यहाँ लगा देती हूँ।
चलिए ये हमारी ट्रे हुई है और अब मुझे डोली इस पर सेट करनी है। तो डोली को मैं हल्की सी हाइट दूंगी, इसीलिए मैंने वो पोर्शन छोड़ा था, और इन दोनों स्टिक्स के बेस बनाते हुए इन पर हम डोली को स्टिक कर देंगे। इससे हमें ट्रे के ऊपर काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा जिसमें कि हम अपना मटेरियल रख सकते हैं जो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ये देखिए इस तरह से हमने डोली को स्टिक कर दिया और बहुत अच्छे से डोली स्टिक हो गई है और काफ़ी मज़बूत ट्रे बनी है हमारी। अभी मेरे पास कुछ बंचेस हैं, इनका वीडियो आप देख चुके होंगे मेरे चैनल पर, इन्हें आप प्लेस करके देख सकते हैं कि ये कहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। देखिए मुझे एक ही अच्छा लगा और कुछ ग्रास मैं यहाँ पर ऐड करूँ, ये आपकी चॉइस है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक फ्लावर मैंने लगाया है बंच की जगह पर। तो ये हमारी डोली वाली ट्रे बनके रेडी है। अंदर मैंने लगाया एक कॉक वाली फैंसी लाइट जो होती है, हमारे पास फेरी लाइट होती है, वो मैंने अंदर प्लेस कर दी जिससे इसका लुक और अच्छा हो गया है। तो आप इस पर कॉस्मेटिक पैकिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट पैकिंग कर सकते हैं, बैंगल्स रख सकते हैं, अगर आपको किसी को कॉइन्स देने हैं या फिर कैश देना है तो वो भी आप इस पर रख कर दे सकते हैं। अगर आपको साड़ी या सूट्स की पैकिंग करनी है तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। Thanks for watching.